जब मुखालिफ इंकलाब कुव्वतें ये देखती हैं कि अब हमारा बस नहीं चल रहा, ये इंकलाब तो अब जैसे आप आजकल एक अल्फाज अवामी नारे के तौर पर सुनते हैं कि आवे ही आवे, कि अब तो नजर आ रहा है कि इंकलाब तो आएगा, उसका कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है, तो आखिरी हरबा उनका यह होता है कि उस वक्त वो कोनों खजरों में दबक जाते हैं और मुंतजिर रहते हैं कि फिर कभी कोई मौका आए, कोई बहुत ही मुनासिब मौका, कोई अपॉर्चुन मोमेंट कि उस पर फिर हम जर्बेकारी दोबारा लगाएं। इस वक्त दबक जाओ, इस वक्त जो है अपने सर नीचे कर लो, इसको कहते हैं काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 साल जिद्दोजहद के नतीजे में जब अरब में इंकलाब की तकमील हो गई तो मुखालिफ इंकलाब कुव्वतों ने भी उस वक्त जो है गर्दन झुका दी। वो मुंतजिर थे कि फिर कोई मौका आए तो हम खड़े हो जाएं और फिर इस इंकलाब को नाकाम करें। ये दर हकीकत हुआ है फिर सीरत खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में। हुजूर का इंतकाल हुआ, मुसलमानों के दिल जख्मी थे, मुसलमानों का मोराल जाहिर बात है उसका आप तसव्वुर कीजिए कितना जो है उस वक्त मजरूह हो चुका था। उस वक्त फिर ये कुव्वतें उभरी हैं, एक तरफ तो नए मुद्दईयाने नबूवत खड़े हो गए इस्लाम की बेशकनी के लिए, दूसरी तरफ ज़कात के मानेईन मुनकरीन ज़कात, मुनकरीन ज़कात का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ज़कात का इंकार किया था, सिर्फ ये कहते थे कि हम हुकूमत को अदा नहीं करेंगे, अपने तौर पर करेंगे। ये दो कुव्वतें जो उभरी हैं दोनों के दोनों अंदरून मुल्क अरब से उभरी है, कोई बाहर की कुव्वत इसमें नहीं थी बल्कि अंदरून मुल्क अरब, क्योंकि अभी तक इंकलाब की तकमील भी तो अरब ही की हद तक हुई थी, तो जो मुखालिफ इंकलाब कुव्वतें वो भी वहीं से उभरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाकिब का ये बहुत अहम बात है कि एक आयरन विल के साथ, एक आहनी अजीमत के साथ, बल्कि यूं कहिए कि कोहे हिमालय जैसी अजीमत के साथ उन्होंने मुकाबला किया और इन तमाम मुखालिफ इंकलाब तहरीकों को और कुव्वतों को कुचल कर, और फिर उन्होंने जिम्मेदारी जो है संभाली हजरत उमर फारूक को, और बहुत जल्द वो तो अल्लाह ताला के हुजूर में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत के लिए वो आखिरत में रवाना हो गए। अब जो दौर आया है जिसका आगाज हजरत अबू बकर के जमाने में हुआ था, वैसे तो ये कि गज़वा तबूक और गज़वा मौता हुजूर की हयात तैयबा में हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई फतूहात का दायरा जो है हुजूर के जमाने में नहीं था। हजरत अबू बकर के जमाने में फतूहात का मामला शुरू हुआ, शाम में पेशकदमी हुई, कुछ इराक के अंदर भी पेशकदमी हुई, ये शाम अरब इराक अरब असल में ये अरब ही के मुल्क के हिस्से हैं जिनका जिन पर के चूंकि जरखेज इलाके थे तो उस वक्त की दो सुपर पावर्स ने कब्जा किया हुआ था, शाम अरब पर कब्जा था सल्तनत रोमा का और इराक अरब पर कब्जा था सल्तनत फारिस का, तो असल में तो ये अरब इलाके थे। महाराज हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में फतूहात हुई कुछ शाम में कुछ इराक में, फिर असल जो फतूहात का सैलाब था वो हजरत उमर के जमाने में आगे आया है और उसमें आपको मालूम है पूरा शाम फतह हुआ, पूरा ईरान फतह हुआ और कहां से कहां तक हुदूद पहुंच गए। अब जो मुखालिफ इंकलाब कुव्वतें उभरी हैं जाहिर बात है कि वो अब बैरून से थी, एक अंदरून से साजिश यहूदी साजिश अब्दुल्ला इब्ने सबा की और दूसरी तरफ ये कि आजमी इंतकाम, इसलिए कि जहां तक ताल्लुक है सल्तनत रोमा का, एक तो यह कि वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी, अभी उसके शिमाली अफ्रीका के मकबूजात भी बकाया थे, अभी उसके पास जिसको आप एशिया माइनर कहते हैं एशियाई कोटक वो भी बाकी था उसके, और यूरोपियन मकबूजात भी अभी बाकी थे, तो वो बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। सिर्फ ये है कि यूं समझिए कि एक टांग उसकी टूट गई थी कि वेस्ट एशिया से तकरीबन उसे बेदखल कर दिया गया, जबकि सल्तनत ईरान का मामला यह कि वो तो बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी धज्जियां उड़ गई, उसका कोई वजूद नहीं रहा, वो जो सिलसिला चला आ रहा था उनके यहां एक शहनशाही सिलसिला वो खत्म होकर रह गया। इस एतबार से जो असल रद्द अमल हुआ है इस मरहले पर वो ईरान की तरफ से हुआ है। ईरानी वैसे भी शाह परस्त और नस्ल परस्त लोग हैं, उनके अंदर अपनी नस्ल की बरतरी का और अरबों की तहसीर का जज्बा जो है ये हमेशा से पाया जाता है कि अरबों को वो कुछ तस्लीम करने की तैयार ही नहीं। अब जब हजरत उमर के हाथों ये मामला हुआ और सल्तनत किसरा जो है पारा पारा हो गई और उसका सिलसिला खत्म हो गया, तो दर हकीकत अब दूसरा इंतकाम जो है वो आया है ये बाहर से। और ये जो मामला था हजरत उमर की शहादत का, ये कोई आइसोलेटेड फैक्ट नहीं है, आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, अगर से जैसे उसको मैंने बयान किया वाकयात तो यही है, इससे ज्यादा जो है उसका कोई सबूत तो तारीख के अंदर जो है हमें नहीं मिल सकेगा। लेकिन यह है कि यह सबको मालूम है कि जो गवर्नर था एक ईरानी वो इसकी पुष्ट पर था,
और उस गवर्नर ही की शह पर उसने ये सारा इकदाम किया है, और मजूसी था, ईरानी था, उसने इंतकाम लिया है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फिर यहूदी साजिश भी जब सामने आई है, और फिर यहूदी साजिश और अजमी इंतकाम, ये दोनों ने मिलकर फिर वो शक्ल इख्तियार की है कि जो अल-फितनतुल कुबरा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो जिसका नतीजा निकली। तो अगर इसको आप समझेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही यानी अनोखी बातें हो, बल्कि ये समझ में आने वाली बातें हैं। तारीख के ये हकायक हैं, इन उसूलों को सामने रखा जाए तो हर चीज अपने सही परस्पेक्टिव में नजर आ जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैं आज इस सिलसिले में तो ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि हजरत उमर के मनाकिब मैं आज आपको बाज़ाब्ता कुछ रिवायात पढ़कर सुनाऊं और उनके तर्जुमे के हवाले से बात आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात उनकी शख्सियत के जिम्मे में यह है कि अगर से एक रिवायत तो यह भी मिलती है, अल्लामा ज़हबी ने यह राय जाहिर की है कि हजरत उमर जब ईमान लाए हैं तो उनकी उम्र 27 बरस थी रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन यह कि ग़ालिबन उन्हें मुग़ालता हुआ है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। बोले द उमर बादल फील द सलात असरत सना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई है आम फील के 13 साल बाद। ये आपको मालूम होगा कि आम फील जो है जिस साल के अब्रहा ने हमला किया था खाने काबा पर, वो आया था लेकर मक्के पर चढ़ाई के लिए अपने हाथियों के साथ अपना एक लश्कर गर्रार लेकर आया था, उसी साल हुजूर की विलादत है, बात आदत हुई। 13 बरस बाद हजरत उमर की विलादत है, गोया कि जब आफ्ताब नबूवत तुलू हुआ है यानी जब के वही का आगाज हुआ है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 27 बरस थी। और छठे साल, इसमें बिल्कुल इत्तेफाक है कि छठे साल नबूवत में यानी जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाज वही को आप पर 6 बरस हो चुके थे, उस साल ये ईमान लाए। इसमें किसी इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी क्योंकि साल ईमान लाने का साल वही है, लिहाजा इसमें जरा सा मुझे आज तहकीक करनी पड़ी तो मालूम हुआ कि हजरत हमजा पहले ईमान लाए हैं, हजरत उमर बाद में। फर्क जो है वो सिर्फ 3 दिन का है। हजरत हमजा 3 दिन कबल ईमान लाए हैं और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये 3 दिन के बाद ईमान लाए हैं। तो जिस वक्त वो ईमान लाए हैं इसका मतलब यह है कि 33 बरस उम्र थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, और जब आपका इंतकाल हुआ है, शहादत हुई है, तो 63 बरस उम्र थी, और ये वही उम्र है जिसमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ। यानी जो कुर्ब और एतबारात से है साहिबैन को, शेखैन को, जो भी आप उन्हें कहें, हजरत अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों की जो मुशाबहत हुजूर के साथ है वो इस पहलू से भी है कि इस दुनियावी जिंदगी जो है उसका कि वही मिकदार है, उतने ही अरसे हुजूर इस दुनिया में रहे हैं इस हयात दुनियावी में, और उतने ही अरसे हजरत अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। इसके बाद चंद अल्फाज जो इमाम नबवी के हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वकान मिन अशराफ कुरैश, कुरैश के इंतहाई जो बाइज्जत घराने हैं उनमें से उनका ताल्लुक है, ये बनू अदी से ताल्लुक रखते थे, और 8वीं पुश्त में हुजूर के साथ सिलसिला नसब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मिल जाता है। वइलैह कानत सफारत फिल जाहिलिया, अब इनका जो मकाम जाहिलियत में था इसमें भी समझ लिया, याम जाहिलियत से मुराद है इस्लाम लाने से पहले जो इनका मकाम अपने उस निजाम में था, जो कबायली निजाम था अरब के अंदर, कुरैश में इनकी हैसियत क्या थी। तो कानत सफारत फिल जाहिलिया, कानत कुरैश इज़ा वक़ात अल-हर्ब बैनहुम व बैनहुम व बैन गैरहुम बाअथू सफीरन अय रसूलन व इज़ा नाफ़रहुम मुनाफ़िरुन व फ़ाक़रहुम मुफ़ाक़िरुन बाअथू मुनाफ़िरन व मुफ़ाक़िरा। अब ये कबायली जिंदगी का पूरा नक्शा इस इबारत में आ गया है कि जहां कहीं कोई जंग होती थी, झगड़ा होता था कुरैश का खुद अपने अंदर दो घरानों के माबेन, या कुरैश का बहसियत कबीला किसी दूसरे कबीले से, तो हजरत उमर को सफीर की हैसियत से भेजा जाता था, ये उनका मकाम। और अगर कहीं कोई मुफाखरत हो जाती थी, कहीं किसी बड़े शायर और खतीब ने खड़े होकर वो अपने कबीले के जो है मफाखिर बयान किए, तो वहां पर फिर मुकाबले के लिए भी, इस तफाखुर के लिए भी हजरत उमर को भेजा जाता था। तो ये उनका मकाम अपनी जिंदगी में था।
یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو